मॉर्निंग गाइस, तो स्वागत है आप सबका एक और न्यू वीडियो में। तो अभी मुझे हल्का ठंड लग रहा है क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा सा ख़राब है, बारिश उरिश में भीगने का वजह से थोड़ा सा तबीयत ख़राब है, तो जिस वजह से शॉल ली हूँ और अभी मैं सब्जी बना रही हूँ। इधर है देख सकते हैं आप लोग कुंदरी, इसको मम्मी काट के रेडी की है तो उसको बना रहे हैं। बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा लग रहा है, चाय पियेंगे चाय पियेंगे। तो हम कटोरा में बाबा के लिए चाय लेके जा रहे हैं क्योंकि ग्लास में देने से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो इसीलिए हम बाबा को ये कटोरा में चाय दे रहे हैं। देख सकते हैं बाबा ऐसे ही पीते हैं बाबा। तो अभी बाबू और बाबा जगन्नाथपुर जा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो बाबू हेलमेट पकड़ के जा रहा है और बारिश उरिश क्योंकि अभी ऐसा मौसम है ना, अचानक बारिश करने वाला है, तो इसीलिए बाबा को छाता दे दिया और अभी वो लोग निकल जाएंगे। तो हम लोग का स्कूटी स्टार्ट नहीं होता है, बार बार सेल्फ से स्टार्ट नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग को किक मारना पड़ता है। तो अभी बाबा लोग जा रहे हैं और उधर मम्मी खड़ी है, तो अभी मम्मी को भी वो लोग लेके चले जाएंगे क्योंकि पहले मम्मी को छोड़ेंगे वहाँ ड्यूटी जगह, उसके बाद फिर वो पापा और जो बाबू है वो लोग निकल जाएंगे। तो सब मिलकर अभी लोग तीनों जा रहे हैं, तो घर में बची मैं अकेले। तो ठीक है, बाय बाय। तो अभी जो मेरा पापा का जो पट्टी है उसको चेंज करने के लिए जा रहे हैं बाबू, और मम्मी वहाँ से ड्यूटी जाएगी तो इसलिए, और हफ्ता में एक बार उसको पट्टी चेंज करना पड़ता है। मेडिसिन डॉक्टर के वहाँ से जो मेडिसिन लिए थे वो खाते थे लेकिन ठीक नहीं हो रहा था, तो जिस वजह से जगन्नाथपुर तरफ में एक ऐसे ही जो जिसका पैर और हाथ टूटा रहता है उन लोगों को इलाज करता है, तो पापा लोग वहीं पे इलाज करवा रहे हैं। तो हफ्ता में एक दिन जाना पड़ता है और जो वो दवाई लगाए रहते हैं जो पट्टी से बांध के रखते हैं उसको चेंज करना पड़ता है। तो अभी पापा लोग जा रहे हैं आज, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भगवान से प्रे करेंगे कि मेरे पापा जल्दी ठीक हो जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। मेरा भी हाथ में, आप लोग को बताई थी कि मेरा भी हाथ में थोड़ा सा लग गया है, दर्द होता है, खेत में जब काम करती तब गिरी थी, और अभी पापा का भी ऐसा हाल है। तो घर में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जा रहा है और मम्मी काम जाती है, तो फिर आप लोग भगवान से प्रे कीजिए कि मेरे पापा जल्दी ठीक हो जाए, वो चल फिर ले, क्योंकि अभी उसको ये वाला लकड़ी के सहारे ही वो बाहर जा रहे हैं, मतलब पहले जैसे चलते थे वैसा चल नहीं पाते हैं, ये लकड़ी के सहारे ही वो चल रहे हैं। तो उनको देख के काफ़ी दुख लगता है हम लोग को कि अभी ऐसा में, मतलब क्या बोलेंगे, मुझे बहुत दुख लगता है, सॉरी। सुबह सुबह आँख से आँसू आ जा रहा है, मतलब इतना दिन से कुछ नहीं हुआ और अभी ऐसा हो रहा है तो थोड़ा दुख लगता है। सॉरी गाइस, थोड़ा सा आँख से आँसू आ गया है, सॉरी। ऐसा तो मैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए लेकिन बोलते बोलते बस तकलीफ़ होता है, जब फैमिली में किसी का ऐसा हादसा हुए रहता है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है। तो मेरा पापा को जब हम देखते हैं ना ऐसा लंगड़ाते हुए चलना, ये जो लकड़ी है इसके सहारे वो चल रहा था ना, तो मुझे बहुत दुख लगता है, सॉरी। आंसू आ जा रहा है, दुख लगता है जब माँ पिताजी को जब कुछ होता है ना तो बहुत तकलीफ होता है। सुबह सुबह आंसू आ गया। जब जिस दिन पापा का ऐसा हादसा हुआ था तो मतलब पूरा दर्द से पूरा बवाल हो रहा था, पूरा दर्द बहुत ज़्यादा दे रहा था, तो पापा बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, पूरा दर्द में सूझ रहे थे, तब मुझे देख के ना बहुत ख़राब लगा, बहुत ज़्यादा ख़राब लगा।
पापा को फटाफट हम हॉस्पिटल लेके तो गए थे, दवाई वही दिया तो फिर भी वो ठीक नहीं हो रहा था। तो उसको देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, और हम जाके अपना रूम में जाके हम रो रहे थे। बहुत दुख लगता है पेरेंट्स को कुछ होने से। तो ठीक है, और अभी मैं घर का काम वाम ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने सब्जी वगैरह तो हो गया है मेरा रेडी, और कुछ कुछ बर्तन तन तन धोना है। बर्तन तन धो के फिर मैं खेत के लिए निकल जाऊंगी, और फिर बाबा लोग आएगा। अभी पता नहीं कि वो लोग जगन्नाथपुर जाएंगे फिर कितना टाइम को आएंगे। सुबह सुबह सुनीता रो दी, तो मुझे बुरा लगता है। मेरे मम्मी पापा को कुछ हो जाए तो दुख लगता है, हर कोई को दुख लगता है। जब अपने पेरेंट्स को कुछ हो जाता है तो हर कोई को दुख लगता है। तो वही हुआ, और बोलते बोलते मेरे आँखों से आंसू आ गया। उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, ऐसा तो मैं नहीं चाहती थी कि आंसू आ जाए, लेकिन तकलीफ़ होता है तो जब दिल में गहरा सा कोई तकलीफ़ होता है ना, तभी आंसू आता है। ठीक है, तो फटाफट से घर का काम कर लेती हूँ और मैं निकलती हूँ खेत के लिए। और अभी मैं दाल चढ़ाई हूँ, देख सकते हैं हम दाल चढ़ा के गए थे और कैसा हो गया मेरा केस पूरा। पूरा देखिए इधर पानी पानी हो गया है, दिख रहा है आप लोग को? बाबा लोग जा रहा था तो जिस वजह से हम वहां गए थे, और इधर मेरा दाल जो है पूरा बड़क रहा है और मेरा पूरा गैस खराब हो गया। देख सकते हैं पूरा गैस में पानी गिर गया है। मैं ध्यान भी नहीं दी कि हम इधर दाल चढ़ाए हैं और पूरा बड़क रहा है। बहुत दिक्कत है, इसे साफ करना पड़ेगा। रे बाबा, पूरा पानी पानी हो गया है, मेरा गैस में पूरा पानी चूने लग गया है। हाँ क्या नहीं तो अभी दोपहर के समय में हम सब खाना वाना खा के ऐसे ही रेस्ट कर रहे थे, बैठे हैं। तो छोटी वाली जो सिस्टर है, ये वाला झोला में कुसुम भर कर लाई थी, तो हम लोग सब मिलके उसे खा रहे हैं। और कल थोड़ा देर रेस्ट करेंगे, आएंगे उसके खेतों बाद में फिर काम हम करने लोग के दोबारा लिए। खेत में घुसेंगे काम करने के लिए। फिर 4 बजेगा तो हम लोग ये छुट्टी तो कर आज के लिए बस लेंगे। इतना ही, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।